नमस्कार मेरी प्यारी दीदी और मेरे प्यारे भाइयों, 2022 में बीपीएससी द्वारा लिया गया बिहार हेडमास्टर का पेपर आज हम लोग देखेंगे और उसका फाइनल ऑफिशियल आंसर की बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आपसे पूछा गया था कि कांग्रेस में उदारवादी पर आक्षेप पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था। इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू में ये पूछा गया है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वायुवृद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो उसका आंसर सरोजनी नायडू होगा। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चाटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर है एम ए जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। करेक्ट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था दोस्तों भारत के विभाजन को प्रथम बार स्वीकार किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन योजना 1947 में। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के समय। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी ए स्मिथ। नेक्स्ट, किसने सोचा था कि प्रथम बोधवाती काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अजात शत्रु। नेक्स्ट, किसके द्वारा तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कॉम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया।
इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वह भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना, इसका करेक्ट आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर और शाहजहां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 17, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा डी के कर्वे। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली धार्मिक वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति दिया? किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा शेर खां, जिसे हम लोग शेरशाह सूरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पादशाह नामा में। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की E-2025 पहल किस पर केंद्रित है? इसका करेक्ट आंसर होगा मलेरिया उन्मूलन। नेक्स्ट, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा कर्णम मलेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 24, 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य था? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया था IIT जोधपुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का सातवां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 87.58 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है कि नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 55% पुरुष और 60% महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ तक का सब्सिडी का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों, 31 में ये पूछा गया है कि बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग है। तो कोइलवर पुल की लंबाई दोस्तों याद रखेंगे ये लगभग 1500 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 32, यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा इसका, क्योंकि दोस्तों आपको डिटेल्स में बताते हैं कि यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते ज्ञापन में वो शामिल था जल जीवन हरियाली, कृषि रोडमैप, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, स्वच्छ ईंधन नीति इत्यादि। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन तथा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया दोस्तों कि नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो यह रियाद में किया गया था दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और वर्तमान 2021 में G20 का शिखर सम्मेलन अपने भारत में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। दोस्तों कई YouTube चैनलों पे आंसर कुछ इससे डिफरेंस हो सकता है, और मैं जो आंसर बता रहा हूँ दोस्तों यह ऑफिशियल फाइनल आंसर की है, इसलिए दोस्तों ये सब उत्तर पे आप संकोच ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बायो गोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 40, एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जैसे ही वह जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु का सार्थक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है? करेक्ट आंसर है दोस्तों शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है, विशेष रूप से व्यक्त किया गया यह दृष्टिकोण किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया? इसका करेक्ट आंसर है मानव निर्माण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों, सहकारी अधिकम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दोस्तों सहकारी अधिगम की अवधारणा 1966 में सर्वप्रथम इलियट एरोनसन ने किया था। सहकारी अधिगम की अवधारणा का प्रस्तुत किसने किया था दोस्तों? इलियट एरोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर दोस्तों प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 49 में कहा गया है, बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका आदर्शवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जॉन ड्यूई। दोस्तों यह पार्ट वन है, इसमें 50 क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। नेक्स्ट 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पार्ट टू में वीडियो हम अपलोड कर देंगे दोस्तों।